इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किसी इमेज को एक पेंसिल स्केच में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज जो है ओरिजिनल है और ये इसका फाइनल पेंसिल स्केच आउटपुट है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये पेंसिल स्केच तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इमेज ओपन कर रखी है। इमेज का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा प्लेन होना चाहिए। इसके बाद में हम जो चेंजेज करेंगे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बनाने के बाद में हम इस पर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं यहाँ से ह्यू और सेचुरेशन के लिए। यहाँ पे हमें सेचुरेशन की जो वैल्यू है -100 पे सेट कर देनी है और इस लेयर को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस करके इसे इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे जो इसका ब्लेंड मोड है इसको कलर डोज सेलेक्ट कर देंगे। तो कलर डोज सेलेक्ट करने पर ये इमेज इस प्रकार से पूरी तरह से वाइट दिखाई देने लग जाएगी। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाते हैं और फिल्टर में ब्लर मेन्यू में गेजियन ब्लर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे कि ये एक पेंसिल स्केच दिखाई देने लगे। ये सभी इमेज में अलग अलग वैल्यू अप्लाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको बेटर लगे वो वैल्यू सेट कर दीजिए। यहाँ पे इस इमेज के लिए ये वैल्यू परफेक्ट है। ओके प्रेस करते हैं। अब हम एक और एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं लेवल्स के लिए। यहाँ पे इसकी लेवल्स को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये जो स्केच है थोड़ा शार्प दिखाई दे सके। एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए। यहाँ पे हमें इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करना है और कंट्रास्ट को थोड़ा हाई करना है ताकि ये और भी क्लियर दिखाई दे सके। तो इस प्रकार से ये एक रफ पेंसिल स्केच तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे इसका एक फ्लैटन इमेज लेयर लेते हैं। तो जिसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस ई बटन प्रेस करेंगे। तो इसके अंडर में ये जितने भी लेयर और इफ़ेक्ट है उन सब लेयरों का कॉम्बिनेशन एक लेयर में मर्ज हो जाएगा। अब हम इस लेयर को एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इसके लिए इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब हम इस पे फिल्टर अप्लाई करते हैं नॉइस में ऐड नॉइस में थोड़ा नॉइस ऐड करते हैं और इसको थोड़ा शार्प भी कर लेते हैं। तो फिल्टर में ही शार्पन में स्मार्ट शार्पन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी अमाउंट इमेज के हिसाब से ठीक लगे वो अमाउंट सेट करके ओके प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इमेज है वो एक पेंसिल स्केच में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।